नमस्कार बच्चों, श्री अक्षन कन्या पीजी कॉलेज हिंडन सिटी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम बीए सेकंड ईयर के अंतर्गत पेपर सेकंड में आपको परिवार की विशेषताओं के बारे में बताएंगे। जैसा कि आप पिछली क्लासों में परिवार के बारे में पढ़ चुके हो और फर्स्ट ईयर में भी तो बहुत अच्छे से आप परिवार के बारे में पढ़ाई करी है आपने, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को परिवार के बारे में आपको पता होगा। लेकिन आज हम आपको परिवार की कुछ विशेषताओं के बारे में अवगत कराएंगे, ठीक है। आइए जानते हैं इन सब चीज़ों के बारे में, आखिर परिवार की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, ठीक है। जैसा कि आप टॉपिक में देख पा रहे हो, जनरल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फैमिली, परिवार की जो सामान्य विशेषताएं हैं, कुछ विशिष्ट भी हैं, ये वाली बच्चों विशिष्ट हैं, लेकिन इस ऐसे नहीं पूछता है, वो सीधा पूछता है परिवार की विशेषताएं। तो आपको अगर लघु में मोस्टली पूछता है तो आपको चार विशेषताओं के बारे में बताना होता है, लेकिन हमने यहाँ आठ विशेषताओं के बारे में, क्या है कभी कभार बच्चा एक दो चीज़ भूल भी जाए तो उसको क्या है आगे से अपना एडवांस में, ठीक है। तो मैकाइवर पेज, आपने अच्छे से नाम सुना होगा इन सब चीज़ों के बारे में, और उन्होंने क्या है परिवार की कई मतलब विशेषताएं बताई हैं, जिसमें कुछ प्रमुख इस तरह हैं। इन्होंने बताया है विवाह संबंध, विवाह संबंध का मतलब है विवाह के माध्यम से ही परिवार का क्या होता है, निर्माण होता है, ठीक है। ये बात आप अच्छे से समझ रहे होंगे। इसमें बताया गया है कि विवाह के कारण ही परिवार का अस्तित्व होता है। विवाह द्वारा स्त्री पुरुष यौन संबंध स्थापित करने के साथ साथ क्या है, परिवार का निर्माण होता है, है कि नहीं। और कभी कभी क्या होता है, जैसे कि परिवार में जब स्त्री पुरुष आपस में क्या है तलाक वगैरह ले लेते हैं, तो इसके माध्यम से क्या है परिवार टूट जाता है, ठीक है। जैसे कि आज के ज़माने में अगर देखा जाए, वर्तमान समय में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे शिक्षा का प्रसार प्रसार हुआ है बहुत, जिसके आजकल और कानून भी नए नए बन रहे हैं, तुमने देखा हो बहुत सारी ऐसी वजह होती है जिनकी वजह से परिवार टूट रहे हैं आजकल। एक तो ईगोनेस है, और मीडिया काफ़ी हद तक इसके लिए जिम्मेदार है। आजकल जो हम देख रहे हैं समाज में, वेस्टर्न कल्चर की तरह क्या है, हमारा जो इंडियन कल्चर है वो भी प्रभावित हुआ है। तो यहाँ पे क्या है, जो विवाह परंपरा शादी वाला जो सिस्टम है वो क्या है, कभी कभार देखने में आजकल देखो तलाक के मामले बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, है कि नहीं। इससे जोड़कर देखो तो अगर तो जब तलाक ही होने लगेगी तो क्या परिवार का अस्तित्व बचेगा, नहीं बचेगा। तो ये है, तो विवाह संबंध के आधार पर क्या है परिवार का निर्माण होता है, ठीक है। ये बात बिल्कुल समझ आ गई आपको। विवाह का एक स्वरूप आजकल देखा गया, आजकल क्या है प्राचीन काल से ही चला आ रहा है परिवार के बारे में कि विवाह का एक स्वरूप है, लेकिन अब तो एक स्वरूप नहीं है परिवार में, अब तो तरह तरह के विवाह हो रहे हैं, अरेंज मैरिज, लव मैरिज, पता नहीं कौन कौन से, जैसा कि आपने सुना होगा, पता नहीं है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अनगिनत हैं। हिंदू विवाह में आठ तरह के विवाह बताए गए हैं, लेकिन बहुपति विवाह है, बहुपत्नी विवाह है, मात्र सत्तात्मक परिवार, पितृ सत्तात्मक परिवार, और एकल परिवार, संयुक्त परिवार, इस तरह से, इसी तरह से विवाह का स्वरूप भी बदल गया है, ये है। तो जो विवाह का स्वरूप है इसमें क्या है बेटा, दो विषम लिंगी संबंधों की स्थापना, उन्हें स्थायी बनाए रखने के लिए क्या है, हाँ मैंने बताया था ना, बहु मोनोगेमी, पॉलीगेमी, मतलब एक विवाह, जबकि जो आदर्श विवाह होता है वो एकल विवाह ही होता है, मतलब जिंदगी में व्यक्ति एक बार शादी करे। और बहुत से लोग हैं, बहुत से, जैसे राजा दशरथ की चार रानियाँ थीं, है कि नहीं। इस तरह से पुराने ज़माने में था ये चलन, लेकिन आज के ज़माने में इतना नहीं देखने को मिलता है, कुछ कुछ कम्युनिटी में थोड़ा देखने को मिलता है, लेकिन उनकी अपनी व्यवस्था है, ठीक है। तो क्या है विवाह का एक स्वरूप, ठीक है। अब आ जाओ वंश नाम की एक व्यवस्था, परिवार से क्या है एक वंश नाम भी जुड़ा हुआ है कि व्यक्ति अमुक वंश का है। आजकल वंश की बात नहीं, अब तो जाति के नाम से जानते हैं, चौहान परिवार या कोई भी, चौहान ही नहीं कोई भी है, सिसोदिया, और ये तो चौहान का ही हो गया, यादव हो गया, कुशवाहा हो गया, और पंडित में ले लो कोई शर्मा, शुक्ला, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, ये सब क्या है वंश नाम के आधार पर परिवार का सृजन हो रहा है। तो ये भी एक इनकी, वो ऐसा है इसलिए है क्योंकि नामकरण पिता के वंश के आधार पर होता है, मीणा है और गारो खासी, जयंतिया, व्हील, ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी, सहरिया, ग्रासिया, पता नहीं ये सारी चीज़ें, इस तरह से क्या है एक वंश नाम का टाइटल हो जाता है कि हाँ वो अमुक परिवार से, तो ये भी परिवार की विशेषता है। आर्थिक व्यवस्था के हिसाब से बहुत सारे जो परिवार हैं उनमें क्या है पुश्तैनी चलता है। पुश्तैनी का मतलब होता है बेटा दादा परदादा जो काम को करते आ रहे हैं वही व्यक्ति करता है। जैसे कि मान लो
जो जाटव कम्युनिटी में क्या पहले क्या है, पशुओं की खाल उतारना, जूता वाला काम करना, ये सब चीज़ें। लेकिन अब कोई ही स्पेसिफिक नहीं है, बहुत सारे लोग बहुत आगे बढ़ गए हैं। अब पुश्तैनी काम जैसे कि बाड़ई का काम, लकड़ी का वो लकड़ी का सामान वामान बनाना, बच्चों कुम्हार है, मिट्टी के बर्तन का काम करना, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन ऐसा अब चीज़ें बदल गई हैं, अब कोई भी अपनी सुविधा अनुसार कोई भी व्यवसाय चुन सकता है, इसकी आज़ादी भी है संविधान में। तो इस तरह से क्या है, उससे भी जाति या परिवार का आइडिया लग जाता है। ये है आर्थिक व्यवस्था में क्या है, परिवार सदस्यों का भरण पोषण की जिम्मेदारी तो होती है, साथ में क्या है कि उसमें क्या है, हर जैसे मान लो परिवार में चार लोग हैं तो उसमें हर एक व्यक्ति का क्या है सहयोग होता है। वो क्या है, जो भी पैसा कमा के लाता है वो अपने मुखिया, परिवार का मुखिया होता है, उसको देता है। जब जरूरत पड़ती है खर्चे के लिए तो उनसे हम ले लेते हैं। इस तरह से व्यवस्था चलती है, जिनमें सदस्य कम होते हैं, एक दो ही लोग होते हैं, पति पत्नी हैं और उनके बच्चे हैं, तो क्या है वो इस तरह से चलती है। वो तो खुद ही पूरी जिम्मेदारी आर्थिक वाली संभालनी पड़ती है। आर्थिक व्यवस्था में खेती बाड़ी है, कोई काम है, व्यवसाय है, मजदूरी है, जॉब सरकारी कुछ भी, ये सब चीज़ें उसी में आर्थिक गतिविधियों में आ जाती है। ठीक है, सामान्य निवास अगली विशेषता है। सामान्य निवास, प्रत्येक परिवार का एक अपना खुद का घर होता है, निवास होता है, एक स्थान होता है कि वो कौन सी लोकेशन में रहता है, ये सारी चीज़ें हैं, है कि नहीं। कुछ कुछ लोगों के दो तीन घर होते हैं, एक गांव में होता है, एक शहर में होता है। जैसे कि आप में से ही बहुत सारे लोगों का गांव में होगा, हिंडौन में भी है, जयपुर में तीन तीन जगह होता है, किसी किसी का तो चार चार जगह होता है। कहने का मतलब है एक सामान्य निवास होता है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, जनजातियों वगैरह में भी कुछ अलग तरह के होते हैं। नव दमंती एक नई चीज़ निकल के आई है बच्चों, नव स्थानीय परिवार, इसके बारे में मैं तुम्हें आगे बताऊंगा। इसमें ये होता है बेटा, नव स्थानीय परिवार में क्या होता है कि पति पत्नी क्या है, और जिनके बच्चे नहीं हैं, पति पत्नी जिनकी न्यूली शादी हुई है, वो क्या है और अपने मम्मी सास ससुर से दूर अलग रह रहे हैं, तो इस तरह के परिवार को नव स्थानीय परिवार कहते हैं। कभी कभार एग्जाम में पूछ लिया जाता है एक नंबर में, तो ये है। इसके बारे में और ज़्यादा डीपली बता देंगे जब भी इसका वो जो टर्न आएगा। ठीक है, इतनी सी बात। अब बात कर लेते हैं सार्वभौमिकता, ये एक इनकी इसकी परिवार की विशेषता है। इसमें क्या है बेटा, जो परिवार का स्वरूप है वो प्राचीन काल से लेकर जब से सभ्यता का उदय हुआ है तभी से क्या है परिवार अस्तित्व में आया है, और आज भी दुनिया के किसी भी कोने में देख लो परिवार का स्वरूप पाया जाता है। ये नहीं कि हमारे इंडिया में ही परिवार पाए जाते हैं, ऐसा नहीं है, परिवार का जो स्वरूप है वो हर जगह पाया जाता है। लेकिन इसका थोड़ा ये बदल गया है, नगरी शहरी हो गया है, कुछ लोग शहर में रहते हैं तो शहरी हो गया, गांव में रहते हो ग्रामीण परिवार हो गया। इस तरह से कोई भी समाज चाहे वो आधुनिक हो प्राचीन हो, उस सब जगह क्या है परिवार पाया जाता है। आजकल क्या है, हमें इनका विकास भी हो रहा है। पहले क्या था, संयुक्त परिवार ज़्यादा हुआ करते थे, ये बहुत सारे पीढ़ी। लेकिन जैसे जैसे आधुनिकता का दौर आया है, समाज में जो परिवर्तन देखे जा रहे हैं, तो क्या है व्यक्ति एकल परिवार में रहना ज़्यादा पसंद करता है। वो सोचता है कि इतना बोझ, सारी चीज़ें, खर्चा, कहते हैं खुद अपना कमाओ, खुद खर्च करो, इस सब चीज़ों की जो कॉन्सेप्ट है, और अपनी खुद के स्वतंत्र निर्णय लेने का मौका होता है इसमें एकल परिवार में। इसलिए क्या है, जो संयुक्त परिवार है वो टूट भी रहे हैं, तो ये विशेषता ये भी है। अगर हम बात करें सीमित आकार परिवार का, एक सीमित आकार होता है। इसमें क्या है, मान लो किसी के मान लो पापा हैं, पापा अंकल चाचा, उनके उनके बच्चे, उनके बेटे, इस तरह से, तो क्या है ये सीमित ही है। पर किसी किसी परिवार में कितने लोग हो सकते हैं, वो उसकी असीमित तो है नहीं जिसका सीमित परिवार होता है। और कुछ कुछ आजकल क्या है, तुम लोग देख रहे हो सीमित परिवार से एक आशा ये भी लगाया जा सकता है, वो एक स्लोगन चला था, हम दो हमारे दो, ऐसा कुछ। कहने का मतलब है एक पति पत्नी और एक दो बच्चे, इस तरह से, है कि नहीं। तो ये सीमित आकार का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। वैसे जैसे कि मान लो बृहद समूह परिवारों की संख्या 1 या 2, 100, 3 अधिक नहीं की जा सकती। कहने का मतलब इसमें ज़्यादा नहीं, मान लो ज़्यादा से ज़्यादा होंगे, किसी परिवार में होंगे तो 20-30 लोग होंगे ज़्यादा ज़्यादा, संयुक्त परिवार होगा तो, है कि नहीं। ये है अगर इसी, और अगर इसको हम सामाजिक संरचना के रूप में देखें तो परिवार जो केंद्रीय रचना है समाज की, उसमें केंद्र बिंदु में आता है परिवार, क्योंकि परिवार के बिना किसी भी चीज़ की कल्पना नहीं की जा सकती। परिवार है तो ही तो सारी चीज़ें, दुनिया है, हम नहीं तो हमारी दुनिया क्या है। इनका मतलब परिवार क्या है, सेंट्रल पॉइंट में आता है। ठीक है।
ठीक है, इतनी सी बात। अब अगला पॉइंट है सामाजिक नियंत्रण। परिवार क्या करता है? सामाजिक नियंत्रण का काम करता है, सोशल कंट्रोल। देख लो, हम जैसे कि बच्चे होते हैं घर में, छोटे पे भी छोटेपन से भी क्या है, बचपन से भी परिवार में नियंत्रण की जो स्थिति है वो शुरू हो जाती है। छोटा बच्चा गलती करता है तो उसको हल्का सा डांटा जाता है, बड़ा होता है तो उसको ज़्यादा डांटा जाता है और सिखाया जाता है कि भाई बड़ों से ऐसे बात करते हैं, छोटे ऐसे बात करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो परिवार में, बिना परिवार के अभाव में क्या है, एक अच्छे व्यक्ति का निर्माण नहीं हो सकता, ना ही एक अच्छे समाज का निर्माण हो सकता है। इसलिए क्या है, सामाजिक नियंत्रण बहुत ज़रूरी है। आप यहाँ भी कॉलेज में आते हो तो यहाँ भी टीचर के द्वारा कुछ ना कुछ आपको समझाया जाता है, थोड़ा डांटा भी जाता है कभी कभार, और छोटी क्लास में रहे हो तो हो सकता है थोड़ा बहुत पिटाई विटाई भी लगी हो कान की, तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, सामाजिक नियंत्रण में परिवार की अपनी अच्छी, जिस परिवार संस्कारी परिवार होता है, जहाँ अच्छा माहौल है, लोग पढ़े लिखे हैं, जिम्मेदार हैं, तो वहाँ पर बच्चा जो जल्दी ग्रोथ कर जाता है। ग्रोथ का मतलब मानसिक ग्रोथ की बात हो रही है, सामाजिक ग्रोथ की बात हो रही है, ना कि जैविक ग्रोथ की बात हो रही है। और अगर अच्छे से मतलब अच्छे परिवार का है, अच्छे खाते पीते घर का है, ऐसे गांव की भाषा में बोलें तो स्वास्थ्य के रूप में भी अच्छा स्वास्थ्य रहता है। जो गरीब लोग हैं उनके परिवारों को देखो, बच्चों की स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो आप इस तरह से सारी चीज़ें समझ रहे होंगे। ठीक है, ये हैं हमारे हिसाब से परिवार की कुछ विशेषताएं जो आपको एग्ज़ाम के दौरान देखने को मिलेंगी, और इसको आपको देखना है। और वही बात बार बार से मैं कहता हूँ हर रोज़, किताब का सहारा लो। मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो तो आपको पढ़ा ही रहा हूँ, थोड़ा किताब का सहारा लो तो अच्छे से तैयारी हो जाएगी। थैंक यू क्लास, बहुत बहुत धन्यवाद।